मिनी आईपीएल का हुआ जोरदार समापन, आधी रात तक मैच का आनंद लेते रहे दर्शक। बिलासपुर जिला के मस्तूर विकास खंड अंतर्गत जोंधरा में रात्रिकालीन मिनी आईपीएल का आयोजन चल रहा था, जिसका समापन बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। जिस दिन से देश में आईपीएल की आगाज हुई थी, उस दिन से जोंधरा क्रिकेट मैदान में भी मिनी आईपीएल की तर्ज पर रात में क्रिकेट मैच का आयोजन चल रहा था। यह खेल ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों के लिए थी, इसलिए विजेता टीम को 20,000 रुपए का इनाम और कप के साथ पुरस्कृत किया गया। साथ ही द्वितीय पुरस्कार के अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का भी इनाम राजकुमार रात्रि द्वारा दी गई। इस क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन को लेकर जोंधरा क्षेत्र के युवाओं में काफी पहले दिनों से उत्साह थी और बढ़ चढ़कर सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा भी ली। साथ ही साथ युवाओं ने इस खेल आयोजन में अपना अपना भरपूर योगदान दिए। नाम क्या है? नाम प्रतीक कुंभकार। कहाँ से? बरगवा से। तो जीत कर कैसा लग रहा है आपको? हमारी टीम पिछले 3 से 4 वर्षों से यहाँ खेलते हुए आई है और जोंधरा क्रिकेट का जो आयोजन होता है, तो यहाँ जब भी हमारी टीम खेलने आई है, हम एक टीम के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में यहाँ खेलने आते हैं। और यहाँ के जो दर्शक हैं, यहाँ के जो आयोजन समिति है, उनसे जो प्यार मिलता है, उनसे जो अपनापन मिलता है, वही हमारे लिए एक ताकत रहती है। और अगले साल हम उसी जोश, उसी जुनून के साथ फिर से हम लोग उसी उत्साह के साथ यहाँ टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। और बहुत बहुत हमारी टीम के प्रदर्शन के बारे में बोलना चाहूँगा कि उसके लिए जो दर्शकों का प्यार है, हमारे लिए एक प्रकार से ताकत है हमारे लिए। तो ये टीम कैसे आप तैयार किए? देखिए, अभी के समय में अधिकतर शहरी एरिया में अगर जाएंगे तो मिक्स टूर्नामेंट होता है, लेकिन ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे तो सिर्फ एक गाँव के 11 खिलाड़ी या एक गाँव के 9 खिलाड़ियों को ही के मैदान में प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। बरगवा स्ट्राइकर्स के बारे में कहूँ, जो हमारी टीम का नाम है, लगभग 5 से 6 सालों से हम लोग खेल रहे हैं। बहुत से नए युवा खिलाड़ी अभी टीम में जुड़े हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ी भी हैं जैसे इनके जैसे, ये भी हम लोगों के एक मार्गदर्शक के रूप में, सलाहकार के रूप में टीम में बने हुए हैं। तो जो युवाओं का और जो अनुभवी खिलाड़ियों का जो मेल है, वही हमारी टीम की ताकत है। तो जैसे कि अभी हमारे मस्तूरी ब्लॉक में मैदान का जो कमी है, उसके लिए क्या बोलना चाहूँगा? अब मस्तूरी ब्लॉक के मैं हर एरिया के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ हम लोग पिछले 4 साल से खेलने आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 4 से 5 सालों से खेलने आ रहा हूँ जोंधरा में। इससे पहले इस ग्राउंड के पहले दूसरे ग्राउंड में मैच होता था, लेकिन जिस तरह से आयोजन समिति यहाँ के सदस्यों और यहाँ के ग्रामवासियों ने इस छोटे से जगह को खेल मैदान का रूप जो दिया है, वो बहुत काबिलियत की बात उनके लिए कि बहुत मेहनत किया उन्होंने और एक छोटे से जगह को खेल के मैदान के रूप में उन्होंने संवारा है। तो आगे और युवाओं के लिए क्या बोलना चाहिए? जितने भी युवा हैं, जिन लोग क्रिकेट को भविष्य तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक मनोरंजन के रूप में खेलते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्रिकेट में भविष्य तभी है अगर आप उसको पूरी लगन से, पूरे जुनून के साथ खेलते हैं। और सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के साथ साथ, क्रिकेट हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए, ताकि एक तरफ अगर फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ नुकसान नहीं होना चाहिए। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।